नमस्कार, अनार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग इंटरमीडिएट 10 और 12 के लिए जो आईपीएससी नामकरण पद्धति पढ़ा रहे हैं, अब इसमें हम सभी लोग देखेंगे आज कार्यवाचक क्रियात्मक समूह के बारे में। कार्यवाचक क्रियात्मक समूह में जो प्रीफिक्स लगता है वो कार्बोक्सी है और जो सफिक्स लगता है वो ओइक एसिड है। सफिक्स जो है वह एल्केन के नाम के अंत में जुड़ता है, जबकि कार्बोक्सी क्या होता है, किसी भी लंबी कार्बन श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह आने पर एक क्रियात्मक समूह प्रबल होता है, दूसरा दुर्बल होता है। तो प्रबल का सफिक्स लगता है और दुर्बल का प्रीफिक्स लगता है। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे CH3, 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 CH3। ये हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं COOH, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी लंबी कार्बन श्रृंखला का सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद हम लोग देखते ये हैं कि क्रियात्मक समूह जो आया है वह किधर से नजदीक है, जिधर से नजदीक होता है उधर से ही लंबी कार्बन श्रृंखला पर संख्याकरण किया जाता है। तो हमने आपको बताया इधर से 1, 2, 3, 4 नंबर पर है क्रियात्मक समूह, इधर से 1, 2, 3 नंबर पर है। तो नजदीक किधर से, इधर से है या इधर से है ना। तो जिधर से उधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। हमने आपको कहा था नाम लिखते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी लंबी कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जिस नंबर पर जुड़ा होता है उस नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। तो नंबर क्या है, 3। ये किस पर जुड़ा है, 3 नंबर पर, और कुल कार्बन कितने हो गए, 6। और 6 का नाम क्या है, हेक्स। कैसे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, नाम क्या हो गया, हेक्स। और हमने कहा सिंगल बंद है इसलिए नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बंद में क्या जुड़ता है, एन। और नियम है -E और इसका सफिक्स क्या लगता है भाई, ओइक एसिड ना, ओइक एसिड। हमने कहा हेक्सेन से -E यानी ई को हटाना, ओइक एसिड जोड़ना है, नाम क्या होगा, 3-hexa, क्या हो गया, हेक्सेन ना, क्या करना, हेक्सेन, ई हट गया, आप ओइक एसिड जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 3-hexanoic एसिड, नाम क्या हो गया इसका, 3-hexanoic एसिड। इसी प्रकार इसके नाम चलते हैं, जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक ना, इस प्रकार नाम चलता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मेरा अनुराग अकेडमी का क्लास चल रहा है, यहाँ पर 10 और 12 के जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं वे चैप्टर वाइज और टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, यानी यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ना है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और कम से कम अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, CH3, CH, CH, CH3। यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं COOH, CH, ये हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, तो सीधे सीधे क्या लंबी कार्बन श्रृंखला है और देखेंगे क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक है। तो हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 ना, इधर से तीसरे नंबर पर 1, 2, 3, इधर से भी किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। और जब दूरियां दोनों तरफ से बराबर होती हैं तो पहला नंबर चाहे जिधर के कार्बन को दिया जा सकता है। तो हम लोग इधर के कार्बन को दे देते हैं मन से अपने, हम यहां से दे रहे हैं आप यहां से भी दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर देने के बाद मैंने कहा था कि क्रियात्मक समूह जिस नंबर पर आया है उस नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। तो COOH जो समूह है वो किस नंबर पर आया है, तीसरे नंबर पर। तो 3 पहले लिखते हैं, कुल कार्बन कितने आए, 5,
और पांच का नाम क्या होता है पेंट, कैसे मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, नाम क्या हो गया पेंट। और यहां आप देख रहे हैं सिंगल बंद है, सिंगल बंद में क्या जुड़ता है एन, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, और मैंने कहा माइनस ई और प्लस क्या ओइक एसिड, क्योंकि COOH समूह में सफिक्स क्या लगता है ओइक एसिड, यानी पेंटेन से ई को हटाना है और ओइक एसिड जोड़ना है, नाम क्या होगा थ्री पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया थ्री पेंटेनोइक एसिड। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर संपूर्ण वीडियो का संपूर्ण क्लास पढ़ना चाहते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मेरे चैनल पर जुड़ सके। और चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री में क्या है CH3CH CH COOH, यहां मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। अब आपको देखना है कि यहां पर सबसे पहले करना यह है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है चुनाव करना है, तो सीधे सीधे लंबी कार्बन श्रृंखला मिल रही है और हमने कहा क्रियात्मक समूह यहां पर है, तो इधर से देखेंगे तो बहुत ही दूर है, इधर से सबसे नजदीक है, तो नंबर किधर से होगा इधर से, यहां 1 2 3 4 क्या हो गया नंबरिंग तो हो गई 1 2 3 4 की, कुल कार्बन कितने मिल गए 4 और क्रियात्मक समूह किस नंबर पर आया है 1 नंबर पर, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह जिस नंबर पर आता है उसी नंबर को लिखते हैं, 1 लिख दिया, 4 कार्बन का नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट, नाम क्या हो गया ब्यूट ना, और सिंगल बंद है इसलिए क्या होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में माइनस ई करना है यानी ई को हटाना है और जोड़ना क्या है ओइक एसिड, नाम क्या हो गया 1-butanoic एसिड। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं CH3 CH 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 CH3 ना, यहाँ एक और CH3 लगा लेते हैं और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया COOH। अब आपको देखना है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का सबसे पहले क्या करना है चुनाव करना है, तो सीधे सीधे लंबी कार्बन श्रृंखला है और क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक है इधर से या इधर से, तो किधर से है इधर से, जिधर से नजदीक है उधर से क्या करते हैं नंबर देते हैं ना, तो हम लोग नंबर दे दिए, कुल कार्बन कितने हो गए 6 और क्रियात्मक समूह किस नंबर पर आया है तीसरे नंबर पर, जिस नंबर पर आया है उस नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, कुल कार्बन कितने हो गए 6 और 6 का नाम क्या होता है हेक्स, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, नाम क्या हो गया हेक्स, और हमने कहा सिंगल बंद है इसलिए नाम क्या होगा हेक्सेन, और हमने कहा ई को हटाना है और जोड़ना क्या है ओइक एसिड ने, तो हम लोगों ने नाम लिख लिया 3-hexanoic एसिड। इस प्रकार किसी भी लंबी कार्बन श्रृंखला में या तो एक ही क्रियात्मक समूह आए या वही क्रियात्मक समूह दो बार आए या दो से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूह आते हैं, तो उनके नाम भी हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ चलेंगे। तो अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके चैप्टर वाइज और स्टेप बाय स्टेप यानी हेडिंग बाय हेडिंग प्रोवाइड की जाती है वीडियो। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और कम से कम अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए।